चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड कर लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5.1 10 पावर माइनस 11 मीटर एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 6.8 इंटू 10 पावर 15 रिवोल्यूशन पर सेकेंड द इक्विवेलेंट करंट ऑफ द, अच्छा ठीक है। तो करंट का इक्वेशन क्या होता है? करंट इज इक्वल टू होता है, एक तो ये होता है क्यू बाई टी लिखते हैं, और क्यू की वैल्यू एन इंटू ई लिखते हैं, तो ये हो जाएगा एन बाई टी फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, एन बाई टी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो करंट के दो फॉर्मूले हो गए यहाँ से, एक तो क्यू बाई टी यूज कर सकते हैं, एक फ्रीक्वेंसी इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी यूज कर सकते हैं, दोनों ठीक है। तो हम ये यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी है क्वेश्चन में, 6.8 इंटू 10 टू पावर 15, ठीक है, रिवोल्यूशन पर सेकेंड, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, इसी को मल्टीप्लाई कर देना है, 10 टू पावर माइनस प्लस 15 माइनस 19 माइनस 4 होगा, और 6.8 इंटू 1.6 मल्टीप्लाई कर लें, मैं मोबाइल से कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है 6.8 आप अपनी कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लो, 6.8 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 10.88 आ रहा है, कितना आ रहा है 10.88, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1.09 भी लिख सकते हो इसको, इंटू 10 टू पावर माइनस 3 कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। तो कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट है, एम्पियर होगा, ठीक है, कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट, ये वाला बी वाला ज़्यादा क्लोज है ना, 1.1 के आसपास है ये करीब करीब, अगर आप ध्यान से देखो 1.1 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 10 टू पावर माइनस 3 एम्पीयर के, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।